जदयू के प्रदेश प्रवक्ता थे, लेकिन लगातार दल विरोधी आचरण के कारण और समाज में उन्मादी भाषा बोलने के कारण एक वर्ष पूर्व ही पार्टी ने उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रवक्ता के पद के साथ साथ प्राथमिक सदस्यता से भी मुक्त कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। जदयू के पूर्व प्रवक्ता, पूर्व नेता अजय आलोक ने आज दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, जिसके बाद लगातार जदयू में जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो लगने शुरू हो गए हैं। और ऐसे में जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने साफ कर दिया है कि अजय आलोक अब जदयू के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। पहले पूर्व में वो प्रवक्ता हुआ करते थे, लेकिन पार्टी की विरोध गतिविधियों में उनको नजर आया गया है, देखा गया, उसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया, प्रवक्ता पद से भी निष्कासित किया गया। वर्तमान में वो जदयू के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। देखिए तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा। डॉक्टर अजय आलोक जनता दल यूनाइटेड के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। अब ऐसे में उन्हें जदयू के प्रवक्ता के रूप में संबोधित किए जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। सच तो यह है कि डॉक्टर अजय आलोक जदयू के प्रदेश प्रवक्ता थे, लेकिन लगातार दल विरोधी आचरण के कारण और समाज में उन्मादी भाषा बोलने के कारण एक वर्ष पूर्व ही पार्टी ने उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रवक्ता के पद के साथ साथ प्राथमिक सदस्यता से भी मुक्त कर दिया था। तो आपने साफ सुना किस तरीके से अजय आलोक को लेकर तंज कसा जा रहा है। अजय आलोक वही है जो पहले जदयू के प्रवक्ता हुआ करते थे, जदयू के सदस्य हुआ करते थे, लेकिन अब अभिषेक झा के द्वारा कहा जा रहा है कि वो प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। जिस तरीके से पार्टी के विरोध गतिविधियों में नजर आए हैं, जिस वजह से उनको बीते साल ही निकाल दिया गया था, तो कहीं ना कहीं बिहार में अब देखिए नई चीजें देखने को मिल रही हैं। अजय आलोक जदयू के पुराने सदस्य हुआ करते थे, अगर प्रवक्ता की बात की जाए तो काफी मजबूती से अपने बात रखा करते थे, लेकिन देखिए आज उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन कर ली है। लगातार इसको लेकर जदयू में खलबली है। ये बातें कई दिनों से सामने आ रही थी कि क्या अजय आलोक बीजेपी ज्वाइन करेंगे, और देखिए आज वो खबर सामने आ गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली के कार्यालय में अजय आलोक ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, जिसको लेकर जदयू साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। साफ कहना है कि वो पार्टी के सदस्य भी नहीं है। पहले वो प्रवक्ता जरूर हुआ करते थे, लेकिन पार्टी के विरोध गतिविधियों की वजह से उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है। लगातार 24 के चुनाव को लेकर बीजेपी जो है वो विपक्ष को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। 24 चुनाव काफ़ी अहम है बिहार के लिए, क्योंकि अब बिहार में महागठबंधन की सरकार है, और ऐसे में 40 सीट को लेकर दावेदारी चल रही है कि ये 40 सीट के उम्मीदवार कौन होंगे। और वहीं लालू प्रसाद यादव भी बिहार आ रहे हैं आज, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है यानी कि बीजेपी जो है वो अपने तरफ लोगों को खींचने की कोशिश कर रही है। और एक अजय आलोक जदयू के पूर्व प्रवक्ता हुआ करते थे, जदयू के पूर्व सदस्य थे, लेकिन आज उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन कर ली है, सदस्यता ग्रहण कर ली है। अब देखना है कि उनके ग्रहण करने के बाद किस तरीके से बिहार की राजनीतिक गतिविधियां बदलती हैं, क्योंकि एक तरफ अभिषेक झा जदयू के प्रवक्ता ने साफ कह दिया कि पार्टी के विरुद्ध गतिविधियों में नजर आए हैं अजय आलोक, जिस वजह से बीते साल ही उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। तो अब क्या अजय आलोक बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद किस तरीके की उन्हें पार्टी में हिस्सेदारी मिलती है, क्या सदस्यता मिलती है, क्या बीजेपी के तरफ से वो प्रवक्ता बनते हैं। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अलसल कर